मेरे पास है ये पोको F1 स्मार्टफोन, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा फोन है। और अभी रिसेंटली इसके अंदर एक नया अपडेट आया था, जी हाँ दोस्तों, वो था MIUI 10.3.5। जी हाँ दोस्तों, ये जो अपडेट आया था उसके बाद काफी लोगों के डाउट्स थे कि यहाँ पे क्या चेंजेस हुए हैं, क्या उन्हें ये अपडेट अपने पोको F1 डिवाइस में अपडेट करना चाहिए या फिर आपको वेट करना चाहिए अगले अपडेट का। तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, क्या आपको मेजर चेंजेस देखने को मिल जाएंगे और क्या ये अपडेट वर्थफुल है, यूजफुल है और कहीं कोई इसमें दिक्कत आई है या फिर नहीं आई है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इसके अलावा भी आपके कोई क्वेश्चन बचता है तो वो भी आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे आपको रिप्लाई करने में बहुत ही खुशी होगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो। बात करते हैं इसके वाईफाई और हॉटस्पॉट की। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसके जो हॉटस्पॉट है, मैंने अभी इसको ऑन कर रखा है और यहाँ पे जो हॉटस्पॉट है अभी भी अच्छे से वर्क कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिवाइस भी कनेक्टेड हो रखा है तो हॉटस्पॉट शेयरिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है। इसी के साथ आप अब हॉटस्पॉट के साथ वाईफाई भी चला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं हॉटस्पॉट भी एक्टिव है और वाईफाई भी एक्टिव है, दोनों यहाँ पे एक साथ काम कर रहे हैं जो कि काफी अच्छी चीज है। तो इन दोनों के अंदर कोई दिक्कत मुझे नजर नहीं आई है। अभी तो मैं यहाँ पे इसके हॉटस्पॉट और वाईफाई को ऑफ भी कर देता हूँ। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जो अगली इंक्वायरी है, उसके अंदर क्वेश्चन आया था कि क्या इसका जो टच स्क्रीन वगैरह का जो इशू था वो फिक्स कर दिया गया था। तो हो क्या रहा है, टच स्क्रीन का जो इशू है काफी पुराना है, काफी कम फोनों में वो इशू आता है। टच की बात करता हूं तो एक्चुअली मेरे फोन के अंदर कभी कोई दिक्कत टच की नहीं रही है, बट कहा जाता है कि किसी किसी जो NVT वाले डिस्प्ले फोन होते हैं उनके अंदर इशू आता है। तो वो अभी मैं कंफर्म नहीं कर सकता हूं कि वहां पे इशू फिक्स कर दिया गया है। मेरे अकॉर्डिंग जहां पे टच का जो इशू था वो अभी भी इतना रिजॉल्व नहीं किया गया है। तो ये दोस्तों आप कह सकते हैं कि इसके अंदर इतना ज्यादा अपडेट नहीं दिया गया। इसके अलावा एक और क्वेश्चन आया था कि जो इसका चार्ज टाइम है या फिर जो बैटरी ड्रेन है वो यहाँ पे कम या ज्यादा तो नहीं हो गया। तो ऐसा जो इसकी बैटरी काफी अच्छी चलती है तो चार्जिंग टाइम वही आपको 1 आवर 30 मिनट 40 मिनट के आसपास लगते हैं, तो चार्जिंग टाइम बिल्कुल वैसा ही है। ड्रेनिंग भी आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि अब अपडेट के बाद हल्का सा, मीन्स आप कह सकते हैं 5 या 10% जल्दी ये फोन ड्रेन हो रहा है, जो कि लिटरली मुझे फील हुआ है। तो यस, यहाँ पे इस डिपार्टमेंट में थोड़ा सा मैं सेटिस्फाई नहीं हूं, जो ड्रेन है वहां पे थोड़ा जल्दी हो रहा है कंपेयर टू बिफोर अपडेट, तो ये चीज आप नोटिस कर सकते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन आया था कि स्पीकर की साउंड वगैरह कैसी है, तो आपको बताया था स्पीकर की साउंड जैसे बिफोर अपडेट थी वैसे ही आफ्टर अपडेट भी है, स्पीकर साउंड के अंदर कोई इश्यू नहीं आ रहा है। वहीं पर अगर बात करते हैं उसकी कॉलिंग की, जी हां दोस्तों, जब आप कॉल पे बात करते हैं तो वहां पे साउंड कैसी आ रही, तो यस वो भी नॉर्मल ही साउंड आ रही है, कहीं भी उसे दिक्कत नहीं आ रही है। नेटवर्क है वो भी बिल्कुल वैसा ही है, नेटवर्क भी इशू नहीं आ रहा है। तो ये सारा जो पॉइंट है, ये कॉलिंग, स्पीकर, नेटवर्क, ये सब बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे बिफोर अपडेट थे, तो यहाँ पे कोई भी चेंज देखने आपको नहीं मिलने वाला है। वहीं बात करते हैं हम कैमरा डिपार्टमेंट की, तो कैमरा डिपार्टमेंट आपको जब मैंने कंपेयर करके बताया था कि जो थोड़ी सी फोटो है वहां पे हल्का जो ब्राइटनेस लेवल है वो यहाँ पे कम कर दिया गया, तो डेफिनेटली हल्का सा आप कह सकते हैं कि 5 या 10% आपको ब्राइटनेस लेवल अब कम मिलेगा। एक और चीज यहाँ पे आपको अलग देखने को मिलेगा वो है इसका हीटिंग इशू। जी हाँ दोस्तों, अभी जो फोन है, इवन यहाँ पे जो लिक्विड कूलिंग भी गिवन है, इसके बाद भी अपडेट होने के बाद जब आप PUBG खेलोगे तो आपको थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हीटिंग इशू नजर आने वाला है कम्पेयर टू बिफोर अपडेट। तो यस, यहाँ पे इशू आया है, साथ ही जो PUBG का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल आपको वैसा ही मिलेगा, बट थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे हीटिंग इशू आपको देखने को मिल सकता है। अभी यहाँ पे कुछ यूजर्स की भी कंप्लेन आई थी कि जो PUBG वगैरह है वहाँ पे इतना स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं मिलता है, तो आपको बताता हूँ कि रीजन क्या होता है। आप यहाँ पे हमेशा जब भी अपने फोन में PUBG वगैरह खेलते हैं तो आप ट्राई कीजिए जो उसकी रैम वगैरह हमेशा उसको क्लीन करके रखें, लेकिन जब ट्राई कीजिए कि अपने फोन के अंदर एक्सटर्नल मेमोरी कार्ड नहीं लगा के रखें। और थर्ड चीज दोस्तों, जितना हो सके अपने फोन की जो इंटरनल मेमोरी है, जो स्टोरेज होता है, उसकी वहां पे मेमोरी जितनी खाली कर सके उतना ही खाली रखें। मीन्स अगर आपके पास 64 GB वाला वेरियंट है तो कम से कम वहां पे आप 20 GB के आसपास फोन की इंटरनल मेमोरी को खाली रखें। ये सारे स्टेप्स आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं अगर आप PUBG खेलते हैं। इसके अलावा बात करते हैं, कुछ लोगों को यहाँ पे दिक्कत आ रही थी कि जब इसको चार्ज लगाते हैं तो यहाँ पे ये वाली थीम देखने को नहीं मिल रही है। तो आपको बताया था दोस्तों, ये जो थीम है ये सिर्फ तभी काम करती है जब आपके फोन की स्क्रीन ऑफ होती है, एंड देन आप जैसे ही इसको चार्ज पे लगाते हो, प्लग ऑन करोगे, वैसे ही यहाँ पे ऑन हो जाएगा, बट इसके बाद जैसे आप ये बटन वगैरह कुछ भी प्रेस करोगे उसके बाद आपको ये थीम नजर नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, जो फ्रेम लगाते हो वो भी जब आपकी स्क्रीन पूरी ऑफ होती है, तब आप जब इसको लगाओगे तो आपको डेफिनेटली ये प्यारी सी थीम देखने को मिल जाएगी, जो कि मुझे बहुत ही प्यारा लगा है। वो एक और जो चेंज देखने को मिल सकता है वो ये है कि जो अब इसका जो रीडिंग मोड है, जी हाँ दोस्तों, आप जाओगे आपको यहाँ पे रीडिंग मोड मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो रीडिंग मोड की जो ब्राइटनेस है थोड़ी सी और यहाँ पे कम कर दी गई है, जो कि पहले थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी। तो यस, यहाँ पे भी हल्का सा इम्प्रूवमेंट किया गया है।
तो ये थे इसके मेजर मेजर चेंजेस। और इसके अलावा बात करता हूँ क्या आपको ये अपडेट करना चाहिए फिर नहीं करना चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि जो सिक्योरिटी पैच अपडेट होता है ये आपके फोन की सिक्योरिटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आपको अपने फोन को ज्यादा सिक्योर रखना है डेफिनेटली आप अपने फोन को अभी कभी अपडेट कर सकते हैं। बट इसके अलावा अगर आपको अपने बैटरी लाइफ थोड़ी सी लंबी चलानी है, आपको हीटिंग इश्यू ज्यादा नहीं चाहिए और आपको कैमरा भी अपना नॉर्मल ही चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप इसको अगर अपडेट नहीं करते हैं तो भी आपका फोन काफी अच्छा वर्क कर रहा है। ये था दोस्तों मेरा ओपिनियन, आशा करता हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा भी आपका कोई क्वेश्चन है, फीडबैक है, क्वायरी है तो वो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मुझे आपको रिप्लाई करने में बहुत ही खुशी होगी। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक हमेशा विमेन की रिस्पेक्ट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सेव ना टाटा, बाय बाय।